Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. Concept One offers one-stop shopping for all production, printing, and web designing, such as graphic design, branding, printing, publishing, video production, nonlinear editing, 3D animation, duplication conversion, events and weddings, architectural rendering, web designing, web hosting, and e-commerce. Contact us at 1-866-206-0013 or www.conceptone.tv. नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा जमहूरियत के हवाले से। जमहूरियत वाकई एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अपना एक हक मिलता है, आप अपना हक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जमहूरियत को चलाने के लिए जो जमहूरियत को चलाते हैं या जमहूरियत के दावेदार हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक्चुअली जमहूरियत है क्या चीज़। मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जमहूरियत की बात करती हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जमहूरियत का फकदान है। यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे अमेरिका में, आप देख लें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंतखाबात नहीं हुए। एक दो चार ऑर्गेनाइजेशन है अपना जैसी, उसमें हर साल बाकायदा इलेक्शन होते हैं और उनके इंतखाबात होते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें कभी आज तक इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन उनको आप ये क्लेम करते हुए देखेंगे कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। भाई, पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जमहूरियत को पैदा करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप देख लें, उनमें खुद जमहूरियत का फकदान है। एक सदर बन गया तो तहयात सदर है, वो हटने का नाम ही नहीं लेता है। आप बताएं पाकिस्तान में कितनी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें इंतखाबात होते हैं और उनके चेयर बदले जाते हैं या उनके प्रेसिडेंट बदले जाते हैं। बहुत रेयर है ये। लेकिन वो बात करते हैं जमहूरियत की कि पाकिस्तान में जमहूरियत आना चाहिए। नाज़रीन, जमहूरियत लाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ की आवाम तालीम याफ्ता हो और वो अंडरस्टैंड करे अपने राइट्स को। जब पाकिस्तान में वडेरे, मलिक, चौधरी, खान ये सब छाए हुए होंगे और उनकी राय होगी तो जमहूरियत कैसा दिखती है। जमहूरियत एक कॉस्मेटिक चीज़ है पाकिस्तान में। अब मुझे खुशी है कि चौधरी इफ्तिखार के आने के बाद हो सकता है कि जमहूरियत परवान चढ़े, और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि जमहूरियत परवान चढ़े और एक गरीब का बच्चा, एक हारी का बच्चा और एक क्लर्क भी जाके MNA या सेनेटर बने पाकिस्तान का। लेकिन लगता है ये ख्वाबों की बात है। मैं जिक्र करूँगा अपने अपना की। अपना एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जिस तरीके से अपना बात करती है जमहूरियत की कि जी जमहूरियत होनी चाहिए पाकिस्तान में, जमहूरियत का फकदान है। लेकिन आपके भी तो जमहूरियत का फकदान है। आपने बैठ के टेलीविज़न पर पाबंदी लगा दी कि अब अपना का कोई कैंडिडेट किसी टीवी पे इश्तहार नहीं दे सकता, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तो ये हुआ कि आप जो मीडिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई भी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी अखबार हो, अगर आप अपने कैंडिडेट्स पे और पाबंदियां लगाएंगे कि जी आप मीडिया में नहीं आ सकते या अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते या अपना आप मैंडेट नहीं दे सकते, अपना एजेंडा नहीं दे सकते, तो कैसी अपनी आवाज़ बचाएंगे? सबसे पहले तो आप जमहूरियत को सर्व कर रहे हैं, आप हक की आवाज़ को दबा रहे हैं। यहाँ पे राय की आज़ादी, अमेरिका में तो बहुत बड़ा मसला है कि आप किसी की राय को आप दबा नहीं सकते। लेकिन अपना का ये कौन सा एजेंडा है, ये कौन सा मंशूर है, ये कौन सा डिसीजन है कि आपने ये डिसीजन दिया कि जी कोई कैंडिडेट किसी भी टीवी पे, किसी भी रेडियो पे
अखबार में नहीं आ सकता। ये मैं समझता हूँ कि सरसर ज्यादती है, और ये एक तारीख दौर की बात कर रहे हैं आप। या तो आप बात करते हैं जमहूरियत की, आप इतने बड़े बड़े फोरम करते हैं, वहाँ पर जमहूरियत का आप नारा लगाते हैं, और फिर आप अपने घर में बैठ के ऐसी पाबंदियाँ लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी हटनी चाहिए, और हर कैंडिडेट को टीवी पे, रेडियो पे, अखबार में आना चाहिए, ताकि वो अपनी अपनी राय का इजहार करें, अपने एजेंडा बताएं, और ये बताएं कि वो अपने के लिए आइंदा क्या करेंगे और दूसरे कैंडिडेट क्या कर चुके हैं। तो इस तरीके से एक सेहतमंद जो है माहौल पैदा होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की बातचीत। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ील ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।